हेलो वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र स्टडी। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैट्रिक का ऑफिशियल मॉडल पेपर जो जारी किया गया था दोस्तों, उसमें से मैं मैथमेटिक्स का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो इस वीडियो में मैं सॉल्व करने वाला हूं। दोस्तों इससे पहले मैं हिंदी, सोशल साइंस, साइंस, संस्कृत का वीडियो जो है अपलोड कर चुका हूं। दोस्तों अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक है, आप वहाँ से जो है डायरेक्ट जाकर होम पेज पर जो है प्ले लिस्ट में जो है स्टेप बाई स्टेप फोल्डर बनाया गया है उसमें से आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को जो है आप लोग कंटिन्यू देखिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसी वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए, बगल में बेल घंटी आ जाएगा उसको आप ऑन करके कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है 7/20 का जो है दशमलव प्रसार है, 7/20 का जो है दशमलव प्रसार क्या होगा, तो आप लोग बनाएंगे तो इसे जो है आंसर जो बी हो जाएगा, शांत है। 7/20 का जो है दशमलव प्रसार शांत होता है। दो नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है पाई है एक, पाई है एक, तो दो नंबर का करेक्ट आंसर है पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तीन नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का मौसम 15 तथा लौसअप 105 है, यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए कि आप लोग मैथ का जो है आप फार्मूला आपके पास याद है तो दोस्तों आप मैथ को आराम से बना सकते हैं अपने नोट पेज पर। दोस्तों आपको फार्मूला नहीं याद है तो दोस्तों मैथ में जो है एक को क्वेश्चन जो है आपसे हिलने वाला नहीं है। मैथ जो है रटा नहीं मारा जाता है, समझा जाता है, मैथ में याद करने वाला जो है मैथ नहीं होता है, मैथ जो है समझने वाला होता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इसका फार्मूला जो याद आपको होगा तो इसका जो है मौसा गुने जो है लौसा होता है। तो दोस्तों जैसे मौसा जो 15 दिया गया है, लौसा 105 दिया गया है, तो 15 गुने जो है 105 हो जाएगा, उसके बाद बट्टे में जो है आपको क्या आ जाएगा, यहाँ से 5 उठकर आ जाएगा, 5 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से 5 से जो है 15 कट गया, यहाँ पर 5 15 तो यहाँ पर 3 बच गया, तो 3 बच गया, यहाँ पर आपको 105 से जो है 3 में गुना कर देना है, तो क्या हो कितना आ जाएगा, 105 तिहाई जो है 315 आ जाएगा। तो इसमें जो है सी में 315 दिया गया, इसका करेक्ट आंसर जो है सी हो जाएगा। दोस्तों मैं बनाकर बतलाऊंगा तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आंसर बता देता हूँ, आप लोग जो है नोट पेज पर जो है आप लोग बना लीजिएगा और आंसर मिला लीजिएगा। मैं इसमें जो है बनाकर समझाऊंगा तो दोस्तों वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो में सिर्फ आंसर बता देता हूँ। चार नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो 4 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, √3/5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। पाँच नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन दीर्घात समीकरण है, निम्नलिखित में कौन दीर्घात समीकरण है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी हो जाएगा, x+1/x = 2, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। छः नंबर क्वेश्चन, 188/220 का सरलतम रूप है, तो इसका क्या सरलतम रूप है, तो 6 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है 47/55 हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, किसी दीर्घात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है, 7 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होती है, 2 होती है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, किसी पूर्णांक पी के लिए विषम संख्या का रूप है, किसी पूर्णांक पी के लिए विषम संख्या का रूप है, तो 8 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 2p+1। 9 नंबर क्वेश्चन, किसी वो केंद्र वाले वृत्त के बढ़ाए बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा PR तथा PS खींची गई है, यदि PR = 8 सेमी तो PS का मान होगा, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है 9 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ए हो जाएगा, 8 सेमी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, यदि अल्फा, कोमा, बीटा और गामा दीर्घात बहुपद x³ + bx² + cx + d के शून्यक हो तो α β + β γ + γ a का मान होगा, तो दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो है C/A हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, दो रैखिक समीकरणों के आलेख समानांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण के युग्म का मान होगा, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर जो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कोई हल नहीं है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कोई हल नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन, बहुपद 2x³ - 5x² - 14x + 8 के शून्यकों का योग होगा, 12 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो है आप लोग को हो जाएगा 5/2 हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा।
13 नंबर क्वेश्चन, समीकरण 9x² - 1 = 0 के मूल्य की प्रकृति क्या है? तो दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए कि वास्तविक और असमान, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, यदि ए बी सी तथा पी क्यू आर समरूप त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर 42 डिग्री तथा कोण आर बराबर 80 डिग्री तो कोण बी का मान होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 14 नंबर क्वेश्चन का जो है क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा, 58 डिग्री, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, बहुपद x² - 5 के शून्यक है। 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, +√5 - √5, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, समीकरण निकाय 3x + KY = 0 तथा 2x + 5Y = 20 के अद्वितीय हल होने के लिए k का मान है, तो इसका क्या आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो है ए हो जाएगा, के बराबर नहीं 15/2, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी है? तो दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए कि 17 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है डी हो जाएगा, 0, -4, -8, -12, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है -12 - -12 किस पद में है? तो दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए कि 1, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। तो दोस्तों ये जो है माइनस प्लस हो गया, इसमें जो है प्लस प्लस हो गया, और जो है तीसरा में जो है माइनस माइनस हो गया, यहाँ पर जो है प्लस माइनस 4 में हो गया। तो दोस्तों आप लोग को जो है इसका आंसर जो है आप लोग को पता हो गया होगा कि -12 - -12 किस पद में है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 में दिया गया है माइनस माइनस, तो इसका करेक्ट आंसर जो है तृतीय पद हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, किसी समानांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में कौन सूत्र सत्य है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है सी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों, ए भी सत्य है बी भी सत्य है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों आप लोग जो है नोट पेज पर आप लोग बनाकर जो है इसका आंसर जो है आप लोग मिला लीजिएगा, आप लोग बना के देखिएगा कि इतना आंसर जो है आ रहा है या नहीं। तो दोस्तों मैं जो है बनाकर दिखाऊंगा, तो दोस्तों काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, 1-1.5 घंटा का जो है वीडियो बन जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, द्विघात समीकरण x² + x + c = 0 का विकर होगा? तो 20 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो है बी हो जाएगा, a² - 4bc, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में जिसके शीर्ष जो है इतना इतना दिया गया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 21 नंबर क्वेश्चन का जो है 6 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं तो सभी समबाहु त्रिभुज जो है समरूप होते हैं, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद f(x)² - 3x + 5 के शून्यक ए और बी हो तो इतना इतना का जो है मान होगा? तो दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 12, इसका करेक्ट आंसर 12 आएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, समानांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 के प्रथम 24 पदों का योग है, तो इसका आप लोग बनाएंगे तो दोस्तों आप लोग का आंसर जो है आपको कितना आ जाएगा, जो है 948 आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर जो है 5-5 का जो है दूरी निकालने के लिए जो है बोल रहा है, तो दोस्तों इसका जो आप लोग निकालेंगे तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा 5√2 हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का जो है 5√2 आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ABC में AB = 13 सेमी, BC = 12 सेमी तथा AC = 5 सेमी हो तो कौन सी बराबर है? तो 26 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर जो है ए हो जाएगा, 90 डिग्री। 27 नंबर क्वेश्चन, बिंदु 6,10 की कोटि है, तो दोस्तों इसको आप बनाएंगे तो दोस्तों आंसर जो है आपको बी आना चाहिए, यानी कि 10 आना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात है, तो दोस्तों यहाँ पर क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, सीधा 4 से 4 में गुना कर देना है और 9 से 9 में गुना कर देना है, तो क्या आ जाएगा, 4×4=16 हो जाएगा और 9×9=81 हो जाएगा। तो इसका आप लोग का आंसर जो है आप लोग को पता चल गया होगा कि 28 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर क्या हो जाएगा, तो 4×16 = 9×81, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। जो दिया गया है बिंदु ए बराबर इतना 5:2 दिया गया है और बी बराबर जो है 9:5 दिया गया है कि बीच की दूरी जो है ज्ञात करना है, तो 29 नंबर का जो आंसर जो आएगा 5 आएगा, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में DEBC तथा AD/DB = 3/4 या DAC = 15 सेमी तो AE का सन्निक मान होगा, तो दोस्तों इसका जो आंसर जो होगा जो 30 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर जो होगा ए हो जाएगा,
6.43 सेमीमीटर जो है इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, समानांतर श्रेणी 4, 9, 14, 19 का कौन सा पद 109 है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर जो आपको आएगा 22वां, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, यदि टेन थीटा बराबर 12/5 हो तो साइन थीटा का मान है? तो 32 नंबर का आंसर जो है 12/13 आएगा, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, बिंदु ए 7.5 और बी का जो है 4.2 को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु का नियामक है? तो दोस्तों इसका जो आंसर जो आएगा, जो है 33 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर जो हो जाएगा आपको -3/2, 7/2 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है तब 20 मीटर की लंबी छाया को बनाने वाली उद्गम मीनार की ऊंचाई है? तो 34 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो है आ जाएगा आपको सी हो जाएगा, 30√3 मीटर जो है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, दो खंभे जिनकी ऊंचाइयाँ 6 मीटर और 11 मीटर है समतल भूमि पर खड़े है, यदि खंभों के पादों के बीच की दूरी 12 मीटर जो है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी है? तो 35 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 13 मीटर, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 9.1 है तब उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है? तो दोस्तों इसका 36 नंबर क्वेश्चन का जो है क्या हो जाएगा, आपको वृत्तों का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो आपको कितना हो जाएगा, 9 3/3 होगा और अनुपात 1 में दिया गया है तो 1 का 1 ही रह जाएगा और 3/3 होगा तो इसका जो है 3:1 हो जाएगा ए। क्वेश्चन है 4.2.5.2.0.3.2.3 का बहुलक है? तो दोस्तों इसमें बहुलक क्या होता है, क्या होता है सबसे अधिक अंक वाले बारंबारता जो है बहुलक कहलाता है? तो दोस्तों इसमें सबसे अधिक कौन सा अंक है, 4 है या 2 है या 3 है या 0 है या 5 है? तो दोस्तों इसमें जो है 2 जो है सबसे अधिक दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा 2। 38 नंबर क्वेश्चन, यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 15 सेमी 12 सेमी तथा 4.5 सेमी है तो इसका आयतन है? तो 38 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बनाने पर जो है 810 सेमी आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, कौन ठीठा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा? तो 39वां क्वेश्चन का जो आंसर जो होगा ठीठा बटे 720 × 2πr², इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, 1 - sin A बराबर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो आंसर जो आ जाएगा आपको बी हो जाएगा, cos² A, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, वर्ग अंतराल 110 - 130 का वर्ग चिन्ह है? तो दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर जो है आप लोग को हो जाएगा है 120, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, 10 57° / cot 33° का मान होगा? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर जो है आप लोग को ए हो जाएगा, 1 आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, एक पासा फेंकने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता है? तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग को बी हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, दी गई आकृति में कोण AOB बराबर 115 डिग्री तो कोण APB बराबर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 44 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 57.5 डिग्री। 45 नंबर क्वेश्चन, 5 sec² A - 5 tan² A बराबर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो आंसर जो है आप लोग को हो जाएगा 5, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन, एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो 46 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो है डी हो जाएगा, एक निश्चित घटना की प्रायिकता जो है 1 होती है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन cos 30° के बराबर है? तो दोस्तों इसका जो आंसर जो है आप लोग को हो जाएगा जो है साइन 60 डिग्री जो है cos 30° के बराबर है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो दोस्तों मानक विचलन जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के जो है माप नहीं, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन, sin²θ × cos θ बराबर है? 49 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर जो है sin θ हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन, 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की भयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है? तो दोस्तों अनगिनत है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन, यदि α = β = 45° तो sin α + β का मान होगा? तो 51 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर जो आपको हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन, दिए गए आकृति में x का मान होगा? तो दोस्तों इसका जो आंसर जो है बी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 16 सेंटीमीटर, इसका करेक्ट आंसर जो है बी हो जाएगा।
53 नंबर क्वेश्चन, एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेमी और इसकी ऊंचाई 12 सेमी है तो शंकु का आयतन है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है आपको हो जाएगा 100 पाई सेमी। इसका करेक्ट आंसर जो है इसका डी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन, यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेमी है तो वर्ग की भुजा की लंबाई होगी। 54 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो है आपको हो जाएगा 16 cm। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन, यदि साइन पी बराबर साइन क्यू तथा पी और क्यू न्यून कोण हो तो क्या होगा, इसका मान क्या है। तो दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो है पी बराबर क्यू, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन, आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में होगा तो इसका मान जो है क्या हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर जो हो 2πrh हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन, 14 सेमी व्यास वाले एक अर्थ गोले के का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा 147 πcm² जो है, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन, कोस 90° - a बराबर है तो दोस्तों कोस क्या में बदल जाता है, साइन में बदल जाएगा। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, साइन में बदल जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन, दिए गए त्रिभुज PQR में QR बटे PQ बराबर है तो दोस्तों इसका जो क्या आंसर जो है, इसका आंसर 59 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आपको हो जाएगा अल्फा, कोट अल्फा जो है। 60 नंबर क्वेश्चन, 0.47 बराबर है तो दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो आ जाएगा आपको 43/90, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसी वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए, बगल में बेल घंटी आ जाएगा उसको आप ऑन करके रखिए, कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा, सबसे पहले आप देख सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।